हेलो एवरीवन, लेट्स सी टुडेस प्रॉब्लम व्हिच इज डिजिबिलिटी प्रॉब्लम कोड 1328A कोड फोर्सेस। तो हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर 10 और 4, और हमें ये चेक करना है। देखिए यहाँ पर दे रखा है, क्या चेक करना है? यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, इन वन मूव यू कैन इंक्रीज ए बाय वन। मतलब एक बार में उस नंबर को एक ही बार इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब +1 कर सकते हैं उस नंबर में। और हमारा टास्क क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव बताने हैं जिससे ए जो है डिविजिबल हो जाए बी से सिंपली। ठीक है, तो चलिए इसका कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, फटाफट एक लॉन्ग लॉन्ग में दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर टाइप के ए एंड बी। ठीक, इन दोनों नंबर्स को इनपुट करा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ ए मॉडुलस बी इक्वल इक्वल टू 0। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नंबर डिविजिबल हों एक दूसरे से। उस केस में क्या करेंगे, सी आउट 0 सिंपली, क्योंकि कोई नंबर ऑफ स्टेप्स तो हमें यहाँ पर चाहिए नहीं। ठीक, और फिर हम कर देंगे एंडर या बैक स्लैश। ठीक, लाइन चेंज। और वरना क्या करेंगे हम लोग एल्स के लिए, एल्स की कंडीशन को हम समझ लेते हैं पहले। देखिए जैसे नंबर हमें 10 और 4 दे रखा है, तो 10 और 4 को अगर हम मॉडुलस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका रिमाइंडर। और उस रिमाइंडर को हम बी से माइनस करेंगे तो हमें वो नंबर ऑफ स्टेप्स मिलेंगे, मतलब वो नंबर मिलेगा जो हम 10 में ऐड कर देंगे तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए यहाँ 10 मॉडुलस 4 करा, 2 बचा, और 4 में से 2 माइनस करा, यानी बी में से हमने रिमाइंडर माइनस करा तो हमें 2 मिला। अगर 10 प्लस 2 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12, और 12 डिविजिबल बाय 4 है। हाँ है। ऐसे देखिए 13 मॉडुलस 9 के केस में क्या होगा, देखिए यहाँ बचा हमारे पास 4 रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, बी माइनस जो बी एलिमेंट है माइनस द रिमाइंडर, बी माइनस माइनस द रिमाइंडर कर देंगे तो हमें मिला क्या, 5। अब देखो 13 प्लस 5 करेंगे 18। क्या ये डिविजिबल बाय 9 है? हाँ ये डिविजिबल बाय 9 है। इसमें होता क्या, मतलब देखिए हमें एक सिंपली हमें वो नंबर दे देगा जिस जो नंबर इसमें कम पड़ रहा है, ताकि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। इसलिए हमने क्या करा, उस रिमाइंडर को 9 में से माइनस कर दिया। अगर यहाँ पे 9 आता हमारे पे रिमाइंडर, सपोज कीजिए 9 होता, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे हमें मिलता 0, तो उस केस में ये नंबर ऑलरेडी डिविजिबल हो रहा होता। अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए 18 होता, तो उस केस में 18 मॉडुलस 9 0 मिलता, तो 9 माइनस 9 0 ही होता है यहाँ पर। ठीक, और देखो जैसे अब यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे हमारा था 92 माइनस 46। अब 46 ट्वाइस जो है 92 होता है, तो इसलिए इस केस में आ गया 0, वो ये वाला केस हमने लिख दिया। ठीक, अब देखो इसका बचा हुआ कोड हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। तो देखो एल्स केस में क्या आएगा, एल्स के केस में आएगा सी आउट, क्या सबसे पहले बी माइनस, बी में से माइनस करना है किस चीज़ को, ए मॉडुलस बी को। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे करो लास्ट में बैक स्लैश एन। ठीक, और ये देखो कोड हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ लगा देते हैं return 0। और इसे कंपाइल कर लेते हैं कोड को फटाफट, G++ डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक, इसको हाइड करते हैं और फिर पैरेट हम टेस्ट केस कॉपी कर लेते हैं, एक बार में सारे टेस्ट केस आ जाएंगे इसमें, और इसे कॉरस्पॉन्डिंग लोग चेक कर लेते हैं बड़ा। ये देखो तो सबके कॉरस्पॉन्डिंग वही वैल्यू हमें मिली होगी जो हमें चाहिए थी। ठीक, देखो 5, 10, 4 के लिए 2, 13 और 13 और 9 के लिए क्या मिला, 5। ठीक, और फिर 100 और 13 के लिए क्या मिला, 4, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए 3333, और 9, 2, 92, 46 के लिए 0। देखो यही सब वैल्यूज हमें मिली है, देखो 4333। ठीक है, तो यही थी प्रॉब्लम छोटी सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और पूरी कोड प्रोसेस की प्लेलिस्ट को चेक करिएगा जरूर, इसका कोड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।